Hi, this is Rohit Roy, and you're watching me on BollywoodNazar.com. No, I've just finished a show. I was hosting a show with Mallika called The Bachelorette. Life OK पे वो show था. वो खत्म हुआ है अभी. अब देखते हैं कि क्या शुरू होता है. Hopefully, I'll be doing a show on Zee soon, starting December or January. So, yeah, let's see how it goes. बिल्कुल, I love. My wife is a Saraswat Brahmin girl, and she's a Konkani. अगर मेरी वाइफ ने सिर्फ चावल और दाल रख दी, मेरा तो कंफर्ट फूड ही है कि आपने सब चावल दाल रख लिए. लेकिन स्पेशली ऑन सैटरडेज एंड संडेज मैं थोड़ा ज़रा अपने विराट रूप में आ जाता हूँ कि मैं समझता हूँ कि भैया इतना पूरे हफ्ते काम किया है, अब कुछ स्पेशल चीज़ बन रही है कि नहीं. तो आई लव सी फूड, आई लव प्रॉन्स. माई वाइफ मेक्स लवली प्रॉन बिरयानी. जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हों, कंपोजर्स हों, आई मीन लिरिक राइटर्स हों, एक्टर्स हों, आई फील एक्टर्स तो बेचारे अपने जी को मार के जिंदा रहते हैं. वो तो कहते हैं कि यार हम लोग खाएं नहीं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ वेट, बट वी ऑल आर फूडीज. और पता है हमको भूख कब लगती है? मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मुझे भूख कब लगती है ना, मैं जब मेरा गाना अच्छा रिकॉर्ड होता है. और कभी कभी तो इतना अच्छा खाना सामने रखा हो, यू नो, और आपको लगता है आपका कोई गाना अच्छा नहीं बन रहा है या कुछ माहौल ठीक नहीं है, तो वो माहौल नहीं बनता खाना, लगता है यार छोड़ो यार आज मूड नहीं है. वेल, हमेशा मैं स्टाइलिशली तैयार रहता हूँ. कभी कभी आप लोग मेरी धज्जियाँ भी उड़ा देते हो, बट स्टिल दैट स्टाइल इज मी एंड माय पर्सनालिटी. तो आई थिंक सो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा सिंपल होकर आ जाता हूँ. तो आई थिंक आई वेरी सिंपली ड्रेस फॉर द इवनिंग. आई थिंक दिस टाइम इट वॉज बेटर बट नॉट वेरी वेरी जितना एक्सपेक्ट करते. जो सीजन 3 हमारे टाइम का था, वो एक शोले एक बार बनती है तो यह दोबारा नहीं बनती. तो जो टीआरपी उस वक्त आती थी, अब वो चार्म नहीं रह गया है. अब बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है घर में, जो हमारे टाइम में इतना MCBC नहीं होता था. हम लोग लड़ाई करते थे, गॉसिपिंग होता था, बहुत मनोरंजन होता था हमारे टाइम पे. तो डेफिनेटली मैं अपने सीज़न को नंबर 1 रेट करूँगा, एंड इट इज़ ओके. हर सीज़न में अपना था, कभी डॉली बंदर आ जाती है, पूजा मिश्रा आ जाती हैं, तो कभी जैसे इस बार आप देख रहे हैं दिस गाय कुशाल इज़ देयर, ही इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ फास्ट. तो एक तो विलन रहते ही है. एक्चुअली हिंदी फिल्म से ज़्यादा मैं अभी कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, उसका नाम है कामसूत्र 3D. हॉलीवुड की बड़ी फिल्म है, वहाँ मेन रोल कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल रोल है उसमें. और वो अभी टीजर्स गोवा फेस्टिवल में दिखाए गए, शर्लिन जो उसमें जो मेजर रोल है द किंग का, वो मैं कर रहा हूँ. तो आज ही मुझे लगता है 2 दिन के पहले वो गोवा फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया, और यूट्यूब पे अभी आज के दिन में उसको कुछ 2.5 लाख हिट्स एक दिन में आ गए.